माय यूनिस वन सेकेंड। तो हम वडोदरा पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमारा होटल बुक है ऑलरेडी द बेकन में। तो अंदर चलते चेक इन करते हैं, पहले ही बुक कर दिया था मेक माय ट्रिप से, तो भी अंदर जाके चेक इन करते हैं। रात के 9 बज रहे हैं, अभी चलते ऊपर। हमें अपग्रेड मिला है, मीन्स मैंने कहा कि यूट्यूब पे ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो अच्छा रूम दो, तो उन्होंने कहा बाजू में ही द फन करके रेस्टोरेंट है वहाँ पे आपको रूम देते हैं। तो वो रूम वो जस्ट देखो सामने ही, वहाँ पे चलते भैया, निकालनी पड़ेगी कार यहाँ से, था हमको जाना पड़ रहा है वहाँ द फन में। वेलकम टू वडोदरा। अभी ये लोग लगेज निकाल रहे, ये फिर ऊपर लेके चले जाएंगे। निकाल लो लगेज। वडोदरा में तो अभी तक स्वागत अच्छा ही हुआ है, अपग्रेड मिल गया। और अभी मम्मी की पर्स रह गई, ये कहाँ छोड़ के, ये क्या मालूम। तुम लोग वहाँ बैठे थे ना, कौन सा फ्लोर? थर्ड फ्लोर। कल भी यही रूम नंबर मिला था 316317, तो अभी 316 में चलते हैं। हाँ, तो एकदम एंड में उधर रहा है रूम। ये है हमारा वॉशरूम, और यहाँ पे सुबह जो भी है, और ये तो भाई रूम के अंदर ही बाथरूम है। नहीं, उसके जो वो उससे कर्टन से बंद कर देंगे। ये लगेज एरिया है, और ये चेरी तुम्हारे लिए स्नैक्स है, चटका पटका एंड कॉफी एंड ऑल। पापा तो अभी से ही बैठ गए खाने की ऑर्डर देने। और ये ट्विन बेड है, या चेरी, या मैं सो जाऊंगा। मम्मी पापा का दूसरा रूम है। नहीं अच्छा, ये कैसा लगा आपको मेरी बुकिंग? पापा इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट रूम था ना, वो तो भाई हमने कैसे तो भी लिया मैंने जरूर, जबकि वो वाला रूम जो था ना इतना सादा था, वो बिल्कुल लेने का मन नहीं था, और वो इससे दुगना महंगा था। और ये हमको अपग्रेड मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर, जस्ट बिकॉज वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास था तो प्राइस हाई थी। हाँ, और ये वडोदरा कैसी सिटी है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत है, इसलिए अच्छे रेट पे मिल गया मुझे। और यूट्यूबर बोले तो भाई साहब, अबे यहाँ से सब दिख रहा नहीं पापा, ये कर्टन है, कर्टन बंद हो जाएगा। yes, अभी ठीक है, सिचुएशन अभी नाउ ठीक है। तो अभी आपको हम बताते हैं बेडरूम चेरी का और मेरा, हम दोनों कहाँ पे रहने वाले हैं वडोदरा में। तो ये है चेरी और मेरा बेड। तो कौन सा साइड सो रहा है? ब्लॉग एडिट कर लूंगा, अभी फ्रेशन अप होते हैं, बहुत थक गए स्टैचू ऑफ यूनिटी से, गर्मी से इतना इरिटेटेड हो रहा है, पूरा पसीना पसीना हो गया, नहा के लेते हैं, लेट्स गो। कौन से साइड तेरी? ये मेरी ये साइड, तेरी वॉशरूम वाली साइड। डर लगेगी मेरे। नहीं, ये मेरी साइड। सुबह मेरे को हेयर ड्रायर के लिए ये सब लगता है, तो ये भी चीज है यहाँ पे, चल रहा नहीं लेकिन हाँ ऑन ही नहीं किया। हाँ, तो नहाने के बाद ये भी काम आ जाएगा। चलो से यहाँ से पूरा रूम के बाहर का भी देख रहे, क्यों छोड़ दिए तुम लोग यहाँ, मस्त पंगति बना के बैठे है, मस्त टाइम पास चालू है इनका। तो रेडी हो गए, और यहाँ पे शायद से डैड भी रेडी हो चुके, रेडी चलते। और यहाँ पे देखो चेरी का अभी से प्लानिंग बन रहा है, प्लानिंग चल रहा है पूरे, उसने थिंग्स टू डू क्या क्या कर रख लिखे, क्या क्या प्लानिंग है। लक्ष्मी पैलेस, स्वामीनारायण टेम्पल, देन सूरत, डुमास बीच वगैरह सब प्लान्ड है। आप सब्सक्राइब कर दो, मजा आने वाले आगे। अच्छा चलो कहीं पे तो भी खाने चलते, और आज नॉनवेज खाने का प्लीज, लेट्स गो। नॉनवेज नहीं खाई इसलिए चक्कर आ रहे उसको, उसका प्रोटीन डाउन हो गया। सबसे ये सबसे बेस्ट चीज़ है, जब तक आप ये कार्ड नहीं लगाते तब तक ये आपका एक्टिवेट नहीं होता, तब तक आप ऊपर जा ही नहीं सकते कोई भी रूम में। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। ऊपर आ गया क्योंकि गाड़ी की चाबी ही भूल गया मैं, कोई ना लेते उनको नीचे रुका है, मैं चाबी लेके जल्दी से नीचे जाता हूँ। एक ही रूम, भाई मुझे तो डर लग रहा है, ऐसे नहीं, एक्चुअली होटल के रूम्स कभी कभी हॉन्टेड भी होते हैं, मीन्स कुछ नोटोरियस चीज़ होती रहती है रूम्स में, सब डर लग रहा है, जल्दी चलो।
हम सुख सागर लेक आ गए। मीन्स ये भी काफी अच्छा अट्रैक्शन है वडोदरा में करने के लिए। ये रात के टाइम में अच्छा लगता है। कल रात को हम यहाँ नहीं हो गए, दैट्स व्हाई हम आज ही आ गए। इसके बाद डिनर को चलते। वो एक्चुअली सेंटर में शंकर जी की, शिव जी की बड़ी मूर्ति है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट्स व्हाई अभी उनको कवर अप किया है। तो यहाँ पे एक ऐसे जस्ट एक लेक है, जैसे हैदराबाद में हुसैन सागर लेक था ना, वैसे यहाँ सुख सागर लेक है। चिल आउट कर सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हो आप, अच्छा लग रहा है भाई। मैंने एक रेस्टोरेंट देख के निकाला है, मीन्स अल सफा करके। कितने दूर है जेरी? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर अभी उसको इतने जोरों से नॉनवेज खाना है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। तो उसने खुद ही ढूंढ लिया। अब देखते हैं अभी कैसा है वो रेस्टोरेंट। यहाँ पे कुछ इतने अच्छे जो 5-7 star रेस्टोरेंट नहीं मिल रहे। हमने गूगल पे सर्च किए, ये किए, शायद हमको नहीं मिल रहे या यहाँ पे है नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। जैसे हमारे पुणे में जैसे ब्लू नाइल हो गया, ये हो गया, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो है ना, महेश डाइनिंग हाउस, जो फिश हाउस है, वो बहुत है। वैसे कुछ दिख भी नहीं रहा और मिल भी नहीं रहा, बहुत शांत शांत लग रहा है। तो चलते भी चेरी की लोकेशन पे। नॉनवेज मिल गया, नॉनवेज नहीं होटल मिल गया, नॉनवेज चल। चेरी में अभी जरा सी एनर्जी आई होगी। चेरी ठीक लग रहा है क्या तुझे अभी? अभी अच्छा, वो अभी तक पहुँचने दो, खून में ब्लड में उतरने दो उसके। लेकिन कैसा टेस्ट है ओवरऑल, कैसा है? या चिकन वगैरह अच्छा लग रहा? ओके फाइन, तो ये खत्म करते हैं तंगड़ी जो भी है। The next day. 1, 2, 3. It's the next day और मैं तो रेडी हो गया। मीन्स नींद तो इतनी काफी कमाल की आई। और ये जो प्रोडक्ट्स है ये मैं लेके जाने लो घर पे, बायोटिक के काफ़ी, जो बॉडी लोशन है और ये जो बॉडी वॉश है मुझे बहुत पसंद है। ओ भाई साहब, ये सब मेरी चीज़ें हैं। मेरे से पहले रेडी होके चले गई मम्मी पापा के रूम में। अब मैं भी यहाँ का सब वाइंड अप करता हूँ, ये सब ले लेता हूँ, मेरे चार्जर वगैरह। देन मम्मी पापा के रूम में देखते क्या हाल हवाल है, क्या चल रहे, वो लोग क्या कर रहे, रेडी हुए क्या नहीं। लेट्स गो, बेल बजाते हैं। हुए क्या नहीं रेडी? अरे ये तो रेडी बैठे ये लोग। अच्छा तुमको एक चीज पता है क्या? इधर रुको, हम खोल नीचे का, ये वाला, ये चीज खोल, उसके नीचे का खोल, अंदर का देख इसके अंदर क्या क्या। रेड बुल किटकैट, वो रूम का तो मैंने सब खत्म कर दिया। रेड बुल किटकैट सब कुछ, रेड बुल मिल गया ना तेरे को? किटकैट ले ले, रेड बुल से बहुत एनर्जी होगी। अरे सब भी रेडी। अरे तुम्हारा रूम कितना पसारा लग रहा, हमारा कितना क्लीन है चेरी का और मेरा। लगेज हमारा सब इधर है। वही वही। अच्छा सुनो, 9:30 रे, ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया है, लेट्स गो। ए इसका इसका मेकअप होता ही नहीं जल्दी, चल। पेस्ट से बना है ये सब, कांच से बना है, देखो ये सही बना है। वो बाहर के साइड क्या है, स्टेयर के से क्या? तो अभी ये 5th floor पे जाना है अपने को। फिफ्थ समझ के टी दबा दे, टीज रेस्टोरेंट बोल के, जबकि आर वाले तो रेस्टोरेंट है। क्या सिंपल फंडा है, कौन से कुक का जॉब करती रहे? ये रहा रेस्टोरेंट, खाली दिख रहा है, कोई आया नहीं है फिलहाल। हम नहीं खाने वाले, चुप बैठ चुप बैठ। बॉइल्ड है सब ये, कौन है? हाँ वैसे भी तेरा पेट खराब है, खा ले। हम तो भाई आज दबा के खाने वाले, बुर्जी पाव अंडे। पापा आज खा लो आप, आपको बहुत दिन से खाने का था बुर्जी पाव। अरे बहुत कुछ है आज ब्रेकफास्ट में। जूसेस भी है वहाँ पे, देख अगर तेरे को चाहिए तो। हेल्दी जूसेस, हम हेल्दी नहीं खाते, हम अनहेल्दी, जितना अनहेल्दी हम मिल सकते हैं उतना। नॉनवेज नहीं खा सकते आज, फिर एक टेम्पल भी जाना है। ये एंड में खाएंगे गुलाब जामुन। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू ये मत ले, ओट्स खाती नहीं वैसे भी, ये ले ले पटेटो का। अरे वो कौन ऑलरेडी बेक्ड था, ये तूने ऐसे ही ली। ठीक है ये भी खा लेंगे। हेल्दी भी खा रही है, अनहेल्दी भी खा रही है, ये क्या का कॉम्बिनेशन है? हम सब खाते हैं। एक और ले ले मेरे लिए, नहीं तो खत्म हो जाएगी। वो इडली ले, एक मेरे को एक देखो। यहाँ पे सांभर भी है, सांभर को वाटी लेके बेटे पता नहीं। अच्छा यही पे, तो ये थोड़ा बहुत लिया है, थोड़ा बहुत खत्म हो गया, वो बाद में लेता है। ये मैंने दबा के लिया क्योंकि मैं सीधा रात को खाऊंगा अभी। हाँ गया, पीनट बटर मिल गया, बस हो गया। तो कैसा लगा ब्रेकफास्ट यहाँ का? सही था, अच्छा था, मीन्स ऐसा कुछ बुरा नहीं था। तो अभी फटाक से निकलते हैं, वडोदरा एक्सप्लोर करते हैं, लेट हो गए ऑलरेडी।
इतनी चीजें हो रही है आज, पापा ने चाय मंगाया है 10 मिनट से आई नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, पापा को छोड़ के हम जा रहे हैं, आप आओ चाय पी ले। अपने रूम में चली गई, मैं मम्मी के रूम में अच्छा लगता मेरे को, वो बोर लगता चेरी क्या ठीक है, क्या फायदा मम्मी जबकि हम मैक्सिमम टाइम यहीं पे बिता रहे, बस सोने को वहां पे जा रहे हैं। लेकिन मैं ये सब चीजें भूल ही गया था, ये सब ले जाने के लिए रहे। क्या कर रहे है यार तू, तो मजाक है क्या, चलो ले जाते हैं। रूम सर्विस मैम, रूम सर्विस। अच्छा मम्मी आपने ये लिए क्या, तुम्हारे रूम का देख चोरी करके आया, ये लिए क्या, ये जो है उससे पहले मैंने बैग लगा लिया, ये चीजें खा को ले ले, पापा ये अपने लिए रहती है, कितने सही प्रोडक्ट है ये, चोरी नहीं करने की रहा तुम क्या यहाँ ये ले रही। अरे नहीं नहीं अच्छा अच्छा लेट मी एक्सप्लेन वो प्रोडक्ट जो कंपनी यहाँ देती है इनको यूज करने, वो सैंपल प्रोडक्ट रहता है ताकि जो कस्टमर है वो यूज करे और घर पे जाके वो बाय करे, तो ये इट्स अ सैंपल प्रोडक्ट, तो ये लेके जाने वाला मैं, तो मैंने तेरे से पहले रख दिया, आप मेरिच माए सबके सब चोर है साले। चेकआउट तो एकदम हैसल फ्री हो गया, और अभी हम कहाँ जा रहे पापा, हम जा रहे हैं लक्ष्मी पैलेस। ओके ओके, जैसे कल चेरी ने प्लान बनाया था वो सब लिख के, तो उस हिसाब से भी लक्ष्मी पैलेस चलते हैं, वो कितना दूर बता रहा है। अरे वो पानी के बाहर फोटो खिंचवा रही है, बिकॉज ऑफ उसने घर के कपड़े नहीं, पानी के कपड़े नहीं पहन के आए, बट जितनी भी पूरा ऊपर से नीचे देख रही है, बिकॉज मैंने कुछ अलग,